संबल पुलिस की गोली लगने के डर से 15,000 के नामी बदमाश ने किया गले में तख्ती लटकाकर आत्मसमर्पण। कहा गोली से लगता है डर, साहब गोली मत मारना। गले में तख्ती लटकाकर थाने पहुंचे पुलिस ने 15,000 के इनामिया को किया गिरफ्तार। रास्ते में SHO के पैरों में गिरकर और रो रो कर मांगी माफी। कहा साहब जेल भेज दो मगर गोली मत मारना। संबल पुलिस का बदमाशों में खौफ, कभी संबल पुलिस की ठाए ठाए तो कभी बैंड बाजा बारात से संपत्ति कुर्क करने का तरीका। आए दिन जनपद में एनकाउंटरों के डर से आज एक ताजा मामला सामने आया। दरअसल मामला जनपद संबल थाना क्षेत्र नगासा का है, जहां कई सालों से एक गैंगस्टर एक्ट का अपराधी नईम पुलिस पकड़ से दूर चल रहा था। पुलिस ने अपराधी नईम पर 15,000 का इनाम भी रखा हुआ है, मगर वह कल तक पुलिस पकड़ से बाहर चल रहा था। पुलिस ने नईम के घर और रिश्तेदारों के घर पर नईम को पकड़ने की दबिशें भी दी थी, मगर नईम पुलिस की आंखों में लगातार धूल झोंकता फिर रहा था। जनपद के एनकाउंटर पुलिस के डर से आज नईम अपने गले में तख्ती लटकाकर थाना नगासा की तरफ जा रहा था और मीडिया के कैमरे में उसकी कैद हो गई। आरोपी नईम के गले में जो तख्ती पड़ी थी उस पर लिखा था, मैं अपराधी हूँ, मैं पुलिस को सरेंडर करता हूँ, मुझे जेल भेज दो, मुझे गोली मत मारना। और वह थाना नगासा SHO धर्मपाल के पैरों में पड़ गया, हाथ जोड़कर रोते रोते कहने लगा कि साहब मुझे गोली मत मारना, मुझे गोली से डर लगता है। वही SHO धर्मपाल ने आरोपी को हिरासत में लेकर उचित कार्यवाही की बात कही है। नईम नाम है। तुम थाने में आए हो, क्या करा था तुमने? मैंने साहब कुछ ना करा था, आत्मसमर्पण करा मैंने। संबल पुलिस से मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा, तो गोली से भी ज़्यादा बहुत डर लगता है। मैं मंसूर माफी गांव का रहने वाला हूँ, मुझे किसी ने पहले फंसा दिया था। अरे सुन तो लो, मैं कह रहा हूँ पुलिस आपको गोली ना मार दे, इसलिए आपने थाने में सरेंडर किया है। हाँ जी ठीक है। क्या नाम है आपका? नईम नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? मंसूर माफी, संबल जिला। ठीक। जनपद संभल में अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में गैंगस्टर एक्ट का वांछित अपराधी जो नईम है, इसने आज थाना नगासा में आत्मसमर्पण किया है। लगातार जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में इनकी संपत्ति जो अवैध धन से अर्जित की गई है, उनकी कुर्की की कार्रवाई भी चल रही थी। इसी के डर से ये बदमाश नईम उर्फ बड़ा पुत्र अमीन निवासी मंसूर माफी थाना नगासा क्षेत्र में आकर के आत्मसमर्पण किया है। ये 15,000 रुपये का इनामी बदमाश और गैंगस्टर एक्ट का वांछित अपराधी था और इसने स्वयं आत्मसमर्पण किया है। इसको पुलिस गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई कर